इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में हम सबको अपनी डिमांड्स फुलफिल करनी है हियर एंड नाउ। शॉपिंग, ट्रिप्स, नया आईफोन, डेटिंग ऐप सब्सक्रिप्शंस, चाहिए तो भाई चाहिए, अभी चाहिए। लेकिन इन सब शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वेल, सेविंग्स, साइड हसल्स या कॉलेज में पॉकेट मनी कमाने पे तो हमने ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन अब हम सेविंग्स की क्यों बात कर रहे हैं? वेल, जैसे कि सैकड़ों पर्सनल फाइनेंस गुरुज कहते आ रहे हैं, मनी सेव इज मनी अर्न। ऐसे यहाँ मैं आपको कुछ क्लेवर टिप्स दूंगी जो आपको पैसे को इफेक्टिवली सेव करने में हेल्प करेगी। लेकिन इस सुपर यूजफुल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। Now, let's get started. According to Indian money spending habits research, Gen Z's अपने majority of funds experiences पे spend करते हैं rather than buying material possessions. Experiences मतलब travel, concerts, festivals. लेकिन ये ना सीधा दिल पर चुभता है, क्योंकि इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसके ऊपर से Instagram ads देख-देखकर फालतू के खर्चों में पैसे यूं आते हैं और यूं चले जाते हैं। एक्चुअली हमें कमेंट्स में आप बताइए आपके पैसे कहाँ ज्यादा खर्च होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ कूल मनी सेविंग हैक्स की। सेविंग व्हेन बाइंग क्लोथ्स ऑनलाइन। ऑनलाइन साइट पे सेल क्या लग गई, आधी पॉकेट मनी सडनली मिस्टर इंडिया तरह गायब। फिर क्या, वही एक दो बार कपड़े पहन लेना और फिर उनको बिल्कुल कबर्ड के कोने में रखना। तो अपनी शॉपिंग के इम्पल्सेस के लिए चीपर ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? थ्रिफ्टिंग। थ्रिफ्टिंग मतलब सेकेंड हैंड या प्री लव्ड क्लोथ्स को खरीदना वर्सेस फास्ट फैशन। ज्यादातर ये कपड़े बड़े बड़े शॉपिंग मार्केट्स जैसे दिल्ली की सरोजनी नगर से सोर्स होते हैं। वहाँ मिलती है ढेर सारी वैरायटी और ब्रांडेड क्लोथ्स के मुकाबले कम से कम रेट। और तो और, अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर से लेंगे तो क्वालिटी भी अच्छी होगी, एस्थेटिक्स भी ऑन पॉइंट होंगे। ऐसे काफी सारे इंस्टाग्राम पेजेस हैं जहाँ से आप क्लोथ्स परचेज कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर वाले हैं thrift_India, SoboThrifts, thriftiness.in, TheEcolonials एंड मेनी मेनी मोर। कई बार इनकी ऑनलाइन स्टोर्स भी इंस्टाग्राम पेज से लिंक्ड होती है, वहाँ से आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि इनका स्टॉक बहुत लिमिटेड होता है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा, तो उसको ऑर्डर करना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह है। जितनी जल्दी आप आइटम को बुक करोगे उतने ज़्यादा चांसेस कि आपको मिलेंगे। एंड दो शिपिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर ये नो डाउट कॉस्ट फ्रेंडली है। न्यू फैशन स्टाइल्स को ट्राई करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। वैसे थ्रिफ्टेड क्लोथ्स खरीदना तो एक साइड है, आप खुद के बिलोंगिंग्स को भी बेच करके एक थ्रिफ्ट स्टोर सेटअप कर सकते हैं। इससे पॉकेट मनी या साइड इनकम भी कमा सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स चाहते हैं देन डू चेक आउट दिस वीडियो। हैक टू, सेविंग ऑन बुक्स। चलो, शॉपिंग है एक तरफ, लेकिन क्या आप बुक्स के शौकीन हैं? तो देयर इज वन इजी आइडिया। आप ऐसे फ्रेंड्स जिन्हें रीडिंग का शौक है उनके साथ अपनी बुक्स एक्सचेंज कर लो, वैरायटी भी मिलेगी और बुक्स का कॉस्ट भी बच जाएगा। आजकल तो ऐसे ही मीटअप्स भी होते हैं जहाँ लोग बुक्स एक्सचेंज कर सके। इनफॉर्मल नेटवर्क्स एंड सोशल मीडिया ग्रुप्स में काफ़ी इंकरेज किया जाता है। ट्विटर और शुड आई से एक्स भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनसे कनेक्ट करके आप वीकली या मंथली मीटअप अटेंड कर सकते हैं। कबन बुक क्लब, इनटॉक्स इलेक्चुअल, द बुक क्लब, ये कुछ ग्रुप्स हैं जो बुक रिव्यूज पे फ्रीक्वेंटली पोस्ट करते हैं। एकेडमिक बुक्स तो सीनियर से भी मिल सकते हैं, वो भी हाफ कॉस्ट में। या फिर यू कैन ऑल्सो गो फॉर ई बुक्स, ये बहुत कम पैसों में मिल जाती हैं। अगर आप इसे अपने फोन या डिवाइस में डाउनलोड करें तो ये हैंडी बुक्स आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। किंडल भी एक तरीका है बुक्स में पैसे सेव करने का। हाँ, थोड़ा कॉस्टली है, बट ये वन टाइम एक्सपेंस है जो आपको लॉन्ग टर्म में बुक्स पे खर्च करने से रोकेगा। फॉर श्योर रियल बुक्स जैसा फील नहीं आएगा, बट ये एसेट परचेज करके आप अपनी स्पेंडिंग पावर बढ़ा सकते हो। हैक 3, गेट टेक टू हेल्प यू। यहाँ दो टिप्स। टिप नंबर 1, टारगेटेड एड्स से बचिए। जहाँ देखो टारगेटेड एड्स, आपसे पहले तो इंस्टाग्राम जानता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, और बिफोर यू नो इट करंट सोशल मीडिया ट्रेंड के पीछे लगा दिए पैसे। इससे बचना है तो अगली बार ब्राउजिंग के समय इनकॉग्निटो मोड यूज करो। आप रूटीनली अपनी कुकीज और डेटा क्लियर भी कर सकते हैं ताकि आपका सर्च डेटा और ब्राउजिंग हिस्ट्री प्राइवेट रहे। साथ में यू कैन ऑल्सो एड अ ट्रैकिंग लिमिट टू योर एप्स एंड सर्विसेज इन योर फोन। सो ट्राई दिस ट्रिक। स्क्रीन पे आपको दिखेंगे 2 मेथड्स फॉर एंड्रॉइड यूजर्स एंड फॉर iOS यूजर्स। एड्स दिखेंगे ही नहीं तो फिजूल के खर्चे होंगे ही नहीं, है ना सेल्फ कंट्रोल का यूजफुल आइडिया। सेकेंड टिप, ट्रैक प्राइसेस। ऑनलाइन सेल्स तो चलते रहते हैं, लेकिन महंगी चीज़ों को बिल्कुल सस्ते में खरीदना
वो एक स्किल है और इसके लिए हम कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ क्रोम एक्सटेंशन हैं जो आपको बहुत अच्छी परचेज डील्स दे सकती है. ये हेल्प करती है ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट में कॉस्ट को ट्रैक करने के लिए. वन एग्जाम्पल कैन बी कैमल कैमल कैमल, दूसरा हो सकता है कीपा. इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं. हैक नंबर 4, स्टार्ट बजटिंग. अक्सर हम सोच समझ के खर्चे नहीं करते, भावनाओं में बह जाते हैं. इसके लिए सबसे बेस्ट वे है कि सेविंग्स को ऑटोमेट करो. जैसे ही पॉकेट मनी आए या साइड हसल अकाउंट में इनकम हिट करती है, सेविंग्स को तुरंत साइड में रख दो. ओनली स्पेंड द बैलेंस. एंड बेस्ट वे टू डू दैट इज ऑल्सो टू यूज एन एक्सपेंस ट्रैकर. एक्सपेंस ट्रैकर्स यूज करके ये पता चलता है कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं. इससे फजूल के खर्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं क्योंकि हमें रेगुलरली पता होता है कि खर्चे कहाँ जा रहे हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं. वी आर मॉनिटरिंग ऑल द ट्रांजेक्शन. या आप डेली वीकली लिमिट भी सेट कर सकते हैं. इतना ही नहीं, आपको ट्रांजेक्शन से जुड़े मंथली या वीकली ग्राफ्स एंड इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा. कई सारे एक्सपेंस ट्रैकिंग एप्स प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं, जैसे गुड बजट, मनी फाई, रियल बाइट. सो डू चेक द अमाउंट. एक्ट नंबर 5, फाइनेंशियल डिसिप्लिन. अब जो मैं कहूँ शायद थोड़ा मेटा एब्स्ट्रैक्ट सा लगे, बट हियर मी आउट. कभी कभी यू सी योरसेल्फ क्रेविंग एन एक्सपेंसिव डिनर, बट हैव यू एवर ट्राइड गिविंग इट सम टाइम. कभी नोट करना दैट इफ यू आर एबल टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, कुछ टाइम बाद सेम चीज़ इतनी अट्रैक्टिव शायद ना लगे. इसको कहते हैं कूलिंग पीरियड, खासकर 24 आवर कूलिंग पीरियड. एक रिसर्च में ये प्रूव भी किया है कि इट हेल्प्स विद सेल्फ कंट्रोल. इसको, इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं. इनफैक्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर वॉल्टर मिशेल ने 1972 में इसी पर एक्सपेरिमेंट किया. उसमें पाया कि अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल है ताकि आप अपने इमोशंस को काबू में ले पाओ, तो आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस इन फ्यूचर बहुत हाई हो जाएंगे. ये कॉन्सेप्ट फूड, क्लोथ्स, ज्वेलरी, गैजेट्स सब पे अप्लाई होता है. रिमेंबर, पैसे सेव करना सिर्फ एक मैथमेटिकल मैटर नहीं है जहाँ स्ट्रैटेजी से आप एक्सपेंसेस कम कर लो. इट ऑल्सो कम्स डाउन टू द माइंड. भर भर के बिहेवियरल साइकोलॉजी का रोल है. तो ये थे हमारे टिप्स. Try thrifting, using e-books or second-hand books, price tracking, Chrome extensions, managing cookies and cash files. इसके ऊपर से finances के मामले में सख्त हो जाएगी, बिल्कुल पिघलना नहीं है. साथ ही साथ expense tracker का use करके आप खुद को monitor और control भी कर सकते हैं. ऐसे ही कुछ नए tips के साथ see you all in our upcoming informative yet fun videos. Also subscribe to Grow Plus. मिलते हैं अगली बार.